हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सदन और मैं ओडिशा का हूँ। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का मेरा ब्लॉगिंग है पंजिम व्यू पॉइंट है, ये क्रॉस का व्यू पॉइंट है। आज का ब्लॉगिंग है मेरा। सो व्यू देखते हैं, देखो ये पंजिम मार्केट बस स्टॉप है ना, इसका ठीक सामने वाला व्यू है। ये देखो, इस तरफ का भी एक ब्रिज जैसा बना रहे हैं। ये देखो, उस तरफ जाने के लिए वो गार्डन जैसा है, उस तरफ गार्डन है तो सम बीच मतलब समुद्र का साइड अच्छा से देखने के लिए होगा। देखो अच्छा से जूम करके दिखा दिया मैंने। सो ये साइड में देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ अभी। इधर मतलब वॉकिंग के लिए मतलब इस तरफ है ना, ऐसे ही मतलब उस तरफ वॉकिंग करके जा सकते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। और इस तरफ है देखो, दूसरा एक पॉट है, और देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। और इधर एक दो आदमी क्या कर रहे, इतना दूर पानी में समझ भी नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना दूर में गया है देखो पानी में। और ये है डल्टिन रॉयल, एक कैसीनो है। जूम जूम करके देखा रहा हूँ। ये देखो इस तरफ देखो, बारिश का दिन में तो फुल हो जाता है, लेकिन अभी मतलब पानी कम है। ये देखो इस तरफ रोड है, मेन रोड पंजिम का, कितना अच्छा मतलब व्यू है। साइड में समुंदर, रिवर चलने के लिए वॉकिंग करने के लिए बनाया है फुटपाथ, और इस तरफ रोड है तो कितना अच्छा है मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर कार में भी आया, गाड़ी में भी, तो गाड़ी में भी घूमने के लिए आया तो गाड़ी से मतलब व्यू पॉइंट देखने के लिए अच्छा लगता है। तो देखो इस तरफ एक रास्ता है, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा रास्ता है सिटी से,
बाहर देखने के लिए अच्छा होता है। सो देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ, एक येलो कलर का बर्ड जा रहे हैं, देखो छोटा सा, देखो जा रहा है। बहुत दूर है, जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखो कितना दूर है, चलो आगे थोड़ा जाते हैं। मैं तो धूप में ये वीडियो शूट करते करते पसीना पसीना हो गया, चलो बहुत दूर है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो कितना दूर है, ऐसा मतलब साइड साइड समुंदर का साइड साइड जाने के लिए मिलेगा, कितना दूर तक। और पीछे साइड तो नहीं गया मैं, पीछे साइड देखेंगे, दूसरा वीडियो बनाने के लिए मिलेगा तो उस तरफ का भी बना लेंगे। तो आज सिर्फ ओकलूस व्यू पॉइंट का ही वीडियो है। ये देखो इस तरफ से भी, मतलब उस तरफ से ये रास्ता है, इधर मतलब आएगा तो मेन रोड पे ही निकलेगा, मतलब उस तरफ जितना भी रास्ता रहेगा। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है सांस। देखो ये है वो येलो वाला बर्ड, इतना दूर आ चुका है। ये कैसिनो मैजेस्टिक फ्राइड, वीडियो थोड़ा मतलब कभी कभी ये हो जाता है, क्लियर नहीं आ रहा है। और चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देखो, मतलब हमेशा मतलब भीड़ रहता, मतलब हमेशा जाते रहता गाड़ी, ये मेन रोड है। देखो साइड साइड में बैठने के लिए भी है, यहाँ पे बैठ के व्यू पॉइंट का आनंद ले सकते हैं। देखो आइसक्रीम भी मिल जाएगा यहाँ पे, रास्ता में घूमते रहते हैं आइसक्रीम वाले। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब साइड में समंदर और रास्ता भी साइड में, तो कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है। देखो मेरे को तो मज़ा आ गया इधर घूमने के लिए आके, लेकिन धूप थोड़ा हो गया, इसके लिए थोड़ा धूप के लिए थोड़ा परेशानी है, क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास हूँ आया हूँ, तो बहुत धूप है। देखो इस तरफ मतलब जाने के लिए रास्ता है, उस तरफ तो रोड लगा हुआ था, मेन रोड पे ही निकलेगा जो रास्ता है, उस तरफ से सिटी से मेन रोड भी निकलेगा। कितना अच्छा लग रहा है, और इस तरफ थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो बैठने के लिए भी इधर है, यहाँ पे बैठ के कैसिनो मैजेस्टिक फ्राइड का मतलब रात को अच्छा लगता है, एक्चुअली रात की लाइटिंग वगैरह लगा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। पानी में दिखाई देगा तो पूरा लाइट का मतलब डेकोरेशन का मतलब पूरा भरा रहता है ऐसा, पानी में बहुत अच्छा दिखता है। लास्ट टाइम मैं वीडियो शूट किया था, बोला था आप लोग को ले क्रूज व्यू पॉइंट का वीडियो शूट किया है, यही है वहाँ पे पेरी है उस साइड में, अभी तो जा रहा हूँ उस तरफ में पेरी का साइड, उधर आगे मतलब बहुत दूर है, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और ये देखो ये दोनों भाग रहे, शायद पेरी छूट रहा है, मुक्का पेरी छूट जाएगा बोल के ये लोग भाग रहे हैं।
फेरी गया तो और टाइम लगेगा आने के लिए, अभी तो एक ही चालू है फेरी। रहा है